हेलो फ्रेंड्स, लव यू किचन में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू चीज़ पकौड़े। तो चलिए हम आज एकदम टेस्टी आलू चीज़ पकौड़े बनाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैंने बॉयल आलू लिए हैं और इनके छिलके निकाल लिए हैं। आप अपने हिसाब से आलू लीजिए जितने पकौड़े आपको बनाने हो। और अब हम इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहो तो आप कद्दूकस कर सकते हैं। और यहाँ पे डालेंगे कटा हुआ प्याज। हम प्याज को बारीक काट लेंगे और अब ऐड कर लेंगे धनिया पत्ती। और यहाँ पे मैंने दो हरी मिर्ची काट के ऐड कर ली है। आप जितनी मिर्ची डालना चाहते हो आप उस हिसाब से मिर्ची डालिए। और यहाँ पे डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही रखें। और हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर यहाँ पे थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि हमने थोड़ा हरी मिर्ची भी डाली है तो मिर्ची ज़्यादा हो सकती है। तो चलिए, यहाँ पे डालेंगे गरम मसाला या फिर धनिया पाउडर आप डाल सकते हैं। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच मैदा। और अब हम इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। हम इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे। सॉफ्ट डो हमें बनाना है। तो देखिए, ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। और अब एक बाउल में डालेंगे हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच मैदा। आप चाहो तो आप बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें पानी डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रेड फूड कलर इसमें ऐड किया है, वो थोड़ा दिखा नहीं पाई मैं। और यहाँ पे मैं चीज़ ले रही हूँ, तो चीज़ आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। और इसको कर लेते हैं हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट। तो मैंने इसको कट कर लिया है। और मैंने यहाँ पे 2 से 3 ब्रेड को मिक्सर जार में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ये एकदम बारीक ग्राइंड हुआ है। और इसको अब एक प्लेट में हम रख देते हैं। तो चलिए, अब आलू की छोटी छोटी बॉल बना लेंगे। और यहाँ बीच से हम इसे डंप कर लेंगे। और इसके अंदर भरेंगे हम चीज़ के पीसेस। तो यहाँ पे चीज़ की छोटी छोटी पीसेस जो मैंने कट करके रखी थी उसे हम आलू के अंदर रख के अच्छे से बंद कर लेंगे। तो हम ऐसे ही सारी बॉल्स बना लेंगे। एक एक करके हम सारी बॉल्स को बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारी बॉल्स बना ली हैं। और अब जो हमने मैदा और कॉर्नफ्लोर का घोल बनाया है उसमें आलू की बॉल को अच्छे से डिप कर लेंगे। और फिर हम ब्रेड क्रम्स में इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। तो हम सारी बॉल्स को ऐसे ही करते रहेंगे। तो हम सारी बॉल्स को ऐसे ही ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। हम इसको इसलिए करते हैं क्योंकि जो अंदर की चीज़ है वो बाहर नहीं आएंगी। और जो जब हम इसको फ्राई करेंगे तब ये फटेंगी नहीं। तो हम इस सारी बॉल्स को ऐसे ही कर लेंगे। तो मैं सारी बॉल्स को रेडी कर लेती हूँ। तो लीजिए, मैंने सारी बॉल्स को रेडी कर लिया है। और अब कर लेते हैं हम इसको फ्राई। हमें इनको हल्के हल्के से पलटना है क्योंकि अगर हम ज़्यादा ज़ोर से इन्हें पलटेंगे तो ये फट सकती है। तो हमें हल्के हाथों से इन्हें पलटना है। तो देखिए, ये कितनी अच्छी लग रही है और क्रिस्पी बन रही है। और अंदर से ये सॉफ्ट है और बाहर से ये क्रिस्पी बन गई है। तो देखिए, अब इनको निकाल लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी बॉल्स बन के रेडी हो गई है। तो लीजिए, आलू के एकदम चीज़ी पकोड़े रेडी हैं। और अब इनको कर लेते हैं सर्व। तो लीजिए, मैंने इन्हें सर्व कर लिया है। और अब एक तोड़ के बताती हूँ मैं आपको। तो देखिए कितना अच्छा और चीज़ी लग रहा है ये, और खाने में बहुत यमी है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए, ये बहुत अच्छा और टेस्टी होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हो सके तो प्लीज़ लव यू किचन को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।